सो वेलकम्स ऑल ऑफ यू ए एम एस 12 पे आप सभी का स्वागत है. प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम करेंगे जिससे आपकी हेल्प होगी. तो आइए इसके सोल्यूशन पर हम बात करते हैं. बिफोर दिस माई वीडियो यदि आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना फीडबैक जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो ज़रूर प्रोवाइड करिएगा. तो एक एक करके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले ये जो दिया हुआ है 1/√2 + 1/3√3 + 1/4√4 and so on दैट इज़ ए इनफाइनाइट टर्म्स दिया हुआ है. तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस टर्म के nth टर्म की बात करनी है. तो n इज इक्वल टू 1 to infinite ले लेंगे और -1 raised to n - 1 और 1/, अब देखिए यहाँ पर इसको कन्वर्जन करना है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए और ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं तो n√n क्योंकि विच इज़ द अल्टरनेटिंग सीरीज, विच इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज है आपका, ये हो गया. तो अब इसी पे हमें फोकस करना है सिंपल. तो दो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में. तो पहले तो सीरीज को हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो उसके बाद फिर हम फोकस कर पाएंगे आने वाले टॉपिक पर. तो अब सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं n = 1 to infinity - 1 raised to n - 1 un से. तो un इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये देख लीजिए 1/(n^3/2) सिंपल सा ये मिल गया हमें. अब हमें इसको फोकस आउट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है पहले. तो बाय लैमनीज टेस्ट जो हम चेक आउट करेंगे, लैमनीज टेस्ट जो हमारे पास है, तो पहला जो कहता है कि un जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जब n बिलोंग्स टू n हो. ठीक, सिंपल. तो एवरी केसेस ये मिल जाएगा क्योंकि सभी वैल्यूज 0 से बड़ी ही है. दूसरा रूल्स कहता है कि जो un है ग्रेटर देन होना चाहिए un + 1, मतलब न्यूमेरिकली लेस देन प्रिसीडिंग टर्म्स, मतलब u1 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u3 देन u4 एंड सो ऑन, इस तरह से मिले. तो देख लीजिए 1 > 1/√2 > 1/3√3 क्योंकि वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ऑलरेडी ये आपका बड़ा होता चला जाएगा, इस तरह से मिलेगा. तो न्यूमेरिकली लेस देन, सेकेंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई. अब थर्ड जो कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए. तो आइए इसको चेक करके देखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1/(n^3/2), सो इट विल बी 1/(infinite), इट विल बी 0. तो फॉलो थ्री सभी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई. तो बाय लैमनीज टेस्ट ठीक है, सीरीज जो सीरीज हमारे पास है समेशन -1 raised to n - 1 un इज कन्वर्जेंट. तो ये तो सीरीज की बात हो गई कि जो सीरीज हमने फाइंड आउट किया हुआ है, मतलब ये -1 raised to n - 1 1/(n^3/2) इज कन्वर्जेंट. तो सीरीज कन्वर्जेंट हो गई. अब इसको देखना है कि दिस इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कि नहीं है. तो अब फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, तो फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जन जो हमारे पास सीरीज है -1 raised to n - 1 / (n^3/2), तो अब इसका हमें मॉड चाहिए. तो हम इसका मॉड निकालेंगे क्योंकि हमें मॉड की ज़रूरत है. ठीक है, तो इस सीरीज का अगर हम मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ दिस -1 raised to n - 1 / (n^3/2) मॉड निकाल लीजिए और ये इक्वल किसके हो जाएगा, समेशन 1/(n^3/2) के, और ये 1 to infinity है. अब मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट हो तो आगे की हम बात कर सकते हैं. तो देखिए अब ये क्या मिला हमें, विच इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज. ठीक, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज मिल गई. तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के जो रूल्स हैं उसको अप्लाई कर देंगे हम ऑन कंपेयरिंग समेशन 1/(n^p). सो पी इज इक्वल टू 3/2 > 1. ठीक, तो बाय पी टेस्ट
पी टेस्ट, ठीक है। अगर ये आपका है तो बाय पी टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक। मतलब जो मॉडुलस ऑफ सीरीज है वो हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। इस टोटल सीरीज जो है ये मॉड वी इसका कन्वर्जेंट हो गया, मतलब मॉड ऑफ माइनस वन रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन रेस टू थ्री बाई टू इज कन्वर्जेंट। तो मॉडुलस कन्वर्जेंट हो गया, मतलब ये पोर्शन हमारा कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। सो यू कैन से दैट इट इज द सीरीज हियर माइनस वन रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन रेस टू थ्री बाई टू इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और आप जानते हैं कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया, इसकी वजह से हम कहते हैं तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हमें मिल गया सीरीज, ठीक है। तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट्स का। अब आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है। टू बाई वन थ्री बाई टू प्लस फोर बाई थ्री माइनस फाइव बाई फोर प्लस अगला आ जाएगा आपका फिर सिक्स बाई फाइव अप टू इन्फिनिट। देखते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी क्लियर क्या कर सकते हैं। पहला देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव नेचुरल नंबर, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिट, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव है तो पहला तो वर्क यहीं आता है माइनस वन रेस टू एन माइनस वन। दूसरा डिनोमेटर में एन है, न्यूमरेटर में एन प्लस वन है, ठीक। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो दिया हुआ सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आगे की कोई बात ही चेक नहीं होगी। तो पहले जो हमें सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है, वन टू इन्फिनिटी माइनस वन रेस टू एन माइनस वन यू एन कंपेयर। सो यू एन इज इक्वल टू आ गया आपका एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक। ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया। अब लैबनीज टेस्ट पहले अप्लाई करते हैं, लैबनीज टेस्ट। तो लैबनीज टेस्ट पहला कहता है कि जो यू एन होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्लियर। दूसरा कहता है कि जो यू एन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए यू एन प्लस वन से, मतलब न्यूमेरिकली लेस देन प्रिसीडिंग टर्म्स, यू एन ग्रेटर देन यू टू ग्रेटर देन यू थ्री यू फोर एंड सो ऑन। तो आइए चेक करते हैं, ये है आपका यू वन यू टू, मतलब टू ग्रेटर देन थ्री बाई टू मतलब 1.5 ग्रेटर एन फोर बाई थ्री, ये फोर बाई थ्री का मतलब क्या होगा, थ्री थ्री वन जा थ्री कैरी थ्री 1.33 ग्रेटर देन फिर फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर का मतलब हो गया 1.25 और सिक्स बाई फाइव कर लेते हैं अगर, सिक्स बाई फाइव का मतलब हो गया 1 point, ठीक। और फिर वन बचेगा टू, ठीक 6.2, इसी तरह आगे मिलता जाएगा। तो दूसरा भी ट्रू हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड जो थर्ड कंडीशंस है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन है, यू एन की बात करते हैं, ये क्या मिल गया आपका लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन, सो इट विल बी वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया, मतलब सीरीज द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि ये थर्ड रूल जो हमारा यहाँ पे फेल हो जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो समीशन सीरीज हमारे पास है माइनस वन रेस टू एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक। तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो अब एब्सोल्यूट की कोई बात ही नहीं होगी। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट को आप चेक भी करना चाहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे इसका मॉड ले लेंगे आप तो समीशन एब्सोल्यूट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट जो पोर्शन है मॉड वो भी नॉट कन्वर्जेंट होगा। लेकिन कंडीशनल में भी वैसी बात होती है कि कंडीशनल के लिए पहले तो सीरीज कन्वर्जेंट होनी चाहिए, फिर उसका मॉड जो होता है वो नॉट डाइवर्जेंट होना चाहिए, तो कंडीशनल कहेंगे।
तो जब सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है तो आगे की कोई यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें वर्क करना पड़े, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट है. सो विच इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड नाइदर कह सकते हो आप, नाइदर एब्सोल्यूट ठीक नॉर कंडीशनल, कंडीशनली कन्वर्स है. क्यों दिखा देते हैं आपको. देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंस के लिए क्या चाहिए कि जो सीरीज है यूएन क्या होना चाहिए, यूएन इज कन्वर्जेंट ठीक, और जो मॉड ऑफ यूएन है वो डाइवर्जेंट होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट है. लेकिन जो ये टेस्ट सीरीज है ना यहीं पे फेल हो गया, इधर ही फेल हो गया आपका, तो यहीं पे फेल हो गया. तो जब ये एक पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं है तो दूसरी की तरफ हमें तो जाना नहीं है. ये तो डाइवर्जेंट मिल फाइंड करेंगे यदि तो आपको मिलेगा ही कि डाइवर्जेंट दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ फेल हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फिर आपका क्या है, कंडीशनल मतलब सीरीज कन्वर्जेंट ही नहीं होगी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारा है कि सीरीज ही कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर आगे की हम चेकआउट कैसे करें. तो ये तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका. तो कंडीशनल भी नहीं होगा और एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, तो ये आपको यहाँ पे वर्कआउट था. सो टेक केयर, थैंक यू.